स्वागत। प्रतिभा आणि कलागुण केवळ शहरांमध्येच असतात असं नाही, तर ग्रामीण भागातही एक से बढकर एक असे कलाकार सापडतात। केवळ गरज असते ती त्यांना पारखण्याची आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याची। अगदी याच हेतूनं आदिवासी बहुल गोंदिया जिल्ह्यात व्हिलेज गॉट टॅलेंट या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। मराठी सिने अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित यांनी या स्पर्धेचं परीक्षण केलं। पाहुयात ज्युनियर जॉनी लिव्हर यानं केलेली राजकीय नेत्यांची हुबेहूब नक्कल। मला या ठिकाणी असं सांगावं असं वाटतंय, आमचा विदर्भ कुठल्या बाबतीमध्ये पाठीमागं न राहता ग्रामीण क्षेत्रामधले कलाकार आज मोठमोठ्या मंचावरती जात आहे, त्याचा मला अभिमान आहे। अध्यक्ष महोदय, मला सांगायचं आहे अशा कलावंतांना एवढं मंच दिलं त्या सगळ्या आयोजकांचं मी धन्यवाद करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे नितीनजी गडकरी साहब, मेरा लक्ष्य विकास, मैं विकास करना चाहता हूं। सबसे पहले नागपुर, फिर वर्धा, फिर गोंदिया, फिर भंडारा। सर वो औरंगाबाद है, परभणी है। अच्छा, वो महाराष्ट्र में। इनके पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, आपके जोड़ों में दर्द है क्या? आपके घुटनों में दर्द है क्या? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या घुटनों के दर्द से छुटकारा चाहिएगा नहीं चाहिए? जोड़ों के दर्द से छुटकारा चाहिएगा नहीं चाहिए? मित्रों, सांडे का तेल लगाइए। अन्ना हजारे जी को पूछिए, अन्ना जी को। अन्ना जी ने जवाब क्या दिया? अन्ना जी को पूछा, अन्ना बताइए नोटबंदी। अन्ना जी ने कहा, अरे वो सरकार नहीं चाहती कि लोकपाल मिले, मेरी उम्र ज्यादा है, अभी मैं बूढ़ा हूं, मैं ऐसे ही अनशन को बैठूंगा तो लोकपाल मिले ना मिले मुझे यम लोकपाल जरूर मिल जाएगा। पवार साहब कहते शायद महाराष्ट्र में जैसी परिस्थिति निर्माण देनी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बरिष्ठ कलेवत लपलेले परंतु त्यांना वंच भेटायचे। परंतु मला असं भेटायचं आहे की ज्यांनी हे उपक्रम केलेले आहे, सुनील सर आणि अजित सर त्यांच्या मित्राच्या शुभेच्छा देतो।